Assalamu alaikum dear students, welcome to CTS phase 3. I am Salman sir. I am going to discuss chemistry paper in CTS phase 3. Now let's start with question number 1. Hamara question number 1 jo hai wo question number 51 aapke test series mein tha, aapke paper mein. Now जो क्वेश्चन है वो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी डी, चार एलिमेंट्स आपके पास गिवन है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ए बी सी एंड डी, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द फॉलोइंग इज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनमें कौन सा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है. ठीक, तो बेटा अगर आप देखोगे, अगर हम एलिमेंट्स ही देखेंगे ये कौन कौन से एलिमेंट्स है, उससे भी हमें पता चलेगा ये कौन कौन से है. तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां से ज्यादातर जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटल्स. ठीक, तो अगर हम ये देखेंगे 1s2 2s2 2p, इसमें टोटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो कौन सा एलिमेंट होता है, दैट इज वो जो एलिमेंट है वो है, मैं एलिमेंट से लिखूंगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन है. ठीक, ये ऑक्सीजन है. नाउ 1s2 2s2 2p5, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका फ्लोरीन बन जाएगा. ठीक, नाउ दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये क्लोरीन बन जाएगा. और दिस इज 1s2 2s2, इसमें 3 + 2 + 5 + 2 = 7, ये आपका बन जाएगा नाइट्रोजन. अब आपके पास चार एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है. बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज फ्लोरीन, और फ्लोरीन जो है वो ये वाला. देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. द एलिमेंट विच इज इन डायगोनल रिलेशनशिप विद बेरिलियम, बेरिलियम के साथ कौन सा डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है. ठीक, तो याद रखना बेटा, अगर हम देखेंगे यहां से लिथियम, बेरिलियम, ठीक, उसके बाद बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है. यहां से लेंगे लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम, उसके कार्बन के नीचे गैलियम, ऐसे कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन. तो फिलहाल मैं इतने एलिमेंट्स लिखूंगा, ये एलिमेंट इसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, ये एलिमेंट इसके साथ दिखाता है, ये एलिमेंट इसके साथ दिखाता है. तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्युमिनियम, आंसर विल बी एल्युमिनियम. नाउ द स्पीशीज विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले हमने देखना है कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है. कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, टोटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 14 इलेक्ट्रॉन किस स्पीशीज में, तो हमें तो पता है नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब दो नाइट्रोजन मिल जाएंगे इनमें 14 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे. देयरफॉर यहां पर जो आएगा वो आएगा नाइट्रोजन. ठीक, तो इसमें आएंगे 8 + 7 = 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे बोरान जो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, 5, इसमें 10 आएंगे, ऑक्सीजन में आएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन जो है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. नाउ विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कैथोड रेज, कैथोड रेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट. हम चारों स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है. दीज रेज मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये कह रहा है कि ये जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज ये वाले जो है ऐसे, ठीक, ऐसे यहां पे ट्यूब होता है, तो ये वाला ऐसे नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ऐसे दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब, ये नेगेटिव प्लस, ये बन गया, अगर नेगेटिव है तो ये बन गया कैथोड, ये बन गया एनोड. ठीक, नाउ अब ये कह रहा है कि दीज रे मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये कह रहा है कि ये जो रेज है ये एनोड से कैथोड की ओर मूव कर, दैट इज रॉन्ग. ये जो रेज है ये फ्रॉम, ये आते हैं कहां से, ये आते हैं कैथोड से, और मूव कहां की ओर करते हैं, दे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो पहला स्टेटमेंट गलत है. ठीक, दीज रेज आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, नो, दीज रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेगेटिवली चार्ज रेज होते हैं, हमें कैसे पता चला, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अप्लाई किया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दे आर नेगेटिवली चार्ज. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, नो, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है कैथोड का, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक, नाइदर इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. ठीक, तो हर एक इलेक्ट्रोड का ये जो गैस जो है, यहां पे पहले ही हम क्या करते हैं, हम यहां पे वैक्यूम लेते, गैस हम लेते ही नहीं है,
तो गैस पे जो डिपेंड करते हैं वो एनोड रेज होती है, ठीक। तो हम कहेंगे जो कैरेक्टर्स ऑफ दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी रॉन्ग है, ठीक। दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। तो ये जो रेज है, अब ये कहां से कहां की ओर मूव करते, मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन ए स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन से मूव करते, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया देन दे गेट डिफ्लेक्टेड। तो इसने कहा है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जो कि सही स्टेटमेंट है इसके बारे में। आइसोबार्स हैव, अब आइसोबार जो है ये क्या होता है, तो आइसोबार जो है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जिनका एटॉमिक मास जो है, इनका एटॉमिक मास जो है बेटा वो सेम होता है, ठीक। आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट्स जो सेम एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर इनका सेम होता, उनको कहा जाता है आइसोबार, ठीक। आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, ठीक। ये ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन 1 3, ट्राइटियम, दीज आर आइसोटोप्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, देखिए इनमें एटॉमिक नंबर सेम है तो ये बन गए आइसोटोप्स, ठीक। लेकिन आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट है जिनका मास नंबर सेम होता है, ठीक। तो मास नंबर सेम आर कॉल्ड आइसोबार्स। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द सीरीज ऑफ लाइन विच लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक। तो याद रखना अल्ट्रावायलेट रीजन में जो है वो लाइमन सीरीज आती है, लाइमन सीरीज जो है ये अल्ट्रावायलेट सीरीज है, यहां पे जो रेज प्रोड्यूस हो जाते हैं वो अल्ट्रावायलेट। अब लाइमन सीरीज क्या होती है, लाइमन सीरीज वो सीरीज होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है कहां से, हायर लेवल से, n इज इक्वल टू इनफिनिटी, n इज इक्वल टू 2 3 4, यहां से आए ग्राउंड स्टेट में, यहां से यहां यानी कि n में आए, तो यहां से जो लाइट प्रोड्यूस हो जाती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, इसको कहा जाता है लाइमन सीरीज। तो अल्ट्रावायलेट जो है वो लाइमन सीरीज वाला है। The wavelength of radiations lambda 1 and lambda 2 are 10 nanometer and 20 nanometer. lambda 1 जो है वो 10 nanometer है और lambda 2 जो है that is 20 nanometer. तो अब पूछा गया है कि एनर्जी क्या है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी, हमें पता है E1 जो है हम लिखेंगे एच न्यू के बराबर, ठीक। तो हम लिखेंगे E1 इज इक्वल टू एच न्यू किसके बराबर, सी बाय लेमडा, मैं लिखा सी lambda 1, ठीक। तो ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, मैं लिखूंगा एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda 1। तो अगर मैं लिखूंगा E1 डिवाइड बाय E2 अगर मैं लिखूंगा, क्या ये गलत होगा कि सही होगा? नाउ मैं लिखूंगा lambda 2 डिवाइड बाय lambda 1, ठीक। दिस रिलेशन इज द करेक्ट रिलेशन, ठीक, बिकॉज एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब lambda 1 जो है वो 10 नैनोमीटर है और lambda 2 जो है वो 20 नैनोमीटर है, तो मैं लिखूंगा E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10, तो 0 0 कैंसिल, यानी कि E1 जो आएगा E1 दैट विल बी 2 E2, this is the answer for this question. तो ये इसका आंसर आएगा। Now, उसके बाद कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपके पास एक मेटल सरफेस है, ठीक। ये सरफेस है, यहां से फोटोन आता है, ठीक, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक। तो एच न्यू है यहां की लाइट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन जब एच न्यू इस पे पड़ जाती है, तो ये एच न्यू किसके बराबर होती है, ये होते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक। नाउ अब क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन अ लाइट, काइनेटिक एनर्जी कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज 1 × 10^16 हर्ट्ज, ये काइनेटिक एनर्जी। द मैक्सिमम काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन अ लाइट, सॉरी दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 1 × 10^16 हर्ट्ज, जो लाइट आती है वहां से जो इंसिडेंट रे है, ठीक, इज इरेडिएट ऑन ए मेटल सर्फेस एट थ्रेशोल्ड, और थ्रेशोल्ड यहां पे जो न्यू जीरो है, यानी कि न्यू जीरो जो है दैट इज 2 × 10^15 हर्ट्ज, ठीक। तो अब हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, तो यहां देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, हम ये यहां लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो होगी
तो H होगा 6.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 जूल सेकंड। उसके बाद न्यू, न्यू कितना है, दैट इज 10 रेज पावर 16, ठीक, 1 इंटू 10 रेज पावर 16 और माइनस न्यू नॉट कितना है, दैट इज 2 इंटू 10 रेज पावर 15, ठीक। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे यहां से, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 10 रेज पावर 15 में कॉमन निकालूंगा, अगर मैं 10 रेज पावर 15 कॉमन निकालूंगा यहां से तो 10 रहता है, ठीक, तो मैं लिखूंगा यहां से रहेगा 10 और यहां से कितना रहेगा, यहां से रहेगा 2, ठीक। तो एक जगह 10 रह गया क्योंकि इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने माना 10 इंटू 10 रेज पावर 15, 10 रेज पावर 15 मैंने कॉमन निकाला, वहां पे रह गया 10, ठीक। नाउ नाउ अब 10 माइनस 2, यहां पे 10 है यहां पे 2, 10 माइनस 2 इज 8, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 6.6 और उसके बाद 15 मैंने कॉमन निकाला, 15 में से 34 माइनस कर, 34 में से 15 माइनस कर लो, वो बन जाएगा 10 रेज पावर माइनस 19 बन जाएगा वो। नाउ इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ 8 इंटू 6 इज 48, तो 4 कैरी ऑन हो जाएगा, 8 इन 48, 48 पर 52, 52 आएगा, एक के बाद पॉइंट आएगा, तो 52 पॉइंट इतना आएगा 10 रेज पावर माइनस 19 आएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 5.2 के बदले में लिखूंगा 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस, यहां से लिखेंगे माइनस 18, यहां पे काइनेटिक एनर्जी आएगी इन जूल्स, तो जूल में आएगा, तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। है कोई आंसर, ठीक, 5.3, यस दिस इज द 5.3, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now, which of the following transition in the hydrogen spectrum will give photon of maximum energy? कौन सा transition photon of maximum energy देगा? ठीक, ये असल में de-excitation है, ठीक। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सपोज ये n इज इक्वल टू 1 है, उसके बाद n इज इक्वल टू 2 है, उसके बाद n इज इक्वल टू 3 है, उसके बाद n इज इक्वल टू 4 है, ऐसे हम लिखेंगे। तो जो ही हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, जो स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स है वो कम होती है, ठीक। तो n1 और n2 के बीच में एनर्जी लेवल, एनर्जी स्पेसिंग जो वो ज्यादा है, ठीक। उसके बाद 2 और 3 में कम होता जाता है, 3 और ये 4 है, यहां से ये 4 है, 4 और 3 के बीच में कम है स्पेसिंग, ऐसे ऐसे ये जो है क्लोज क्लोज नजदीक नजदीक आते हैं। अब ये कह रहा है कि कौन सा ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी देगा, मैक्सिमम एनर्जी वही देगा जो ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा। और कहां कौन सा है वो ये वाला है, देखिए 3 to 1 जो होगा, ये है 1 2 3, 3 to 1 जो होगा, जो 3 से ग्राउंड स्टेट तक होगा, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ हाइएस्ट, जो फोटॉन की होगी वो हाइएस्ट होगी जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से कहां तक आएगा, फर्स्ट तक आएगा, बिकॉज एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा रह जाती है इनमें 1 और 2 के बीच में। अगर इलेक्ट्रॉन इनफिनिटी से 2 तक या 3 तक आएगा, तब जाके भी उतनी एनर्जी नहीं निकलेगी जितना 3 से 1 तक आएगा, बिकॉज 1 और 2 के बीच में जो एनर्जी गैप है, दैट इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक। और आपको पता होगा बोहर मॉडल में हम लिखते हैं, अगर ये एन वन है, ये एन इज इक्वल टू 1 है, ये एन इज इक्वल टू 2 है, ये एन इज इक्वल टू 3 है, ये एन इज इक्वल टू 4 है, तो हम लिखते हैं E2 - E1 जो है, दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू E3 - E2 एज कंपेयर टू E4 - E3, ठीक। पहले वाले दो का जो एनर्जी डिफरेंस वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक। देयरफॉर जो भी ट्रांजिशन हायर लेवल से ग्राउंड स्टेट तक आएगा, n इज इक्वल टू 1 तक आएगा, वो मैक्सिमम एनर्जी देगा, देयरफॉर आंसर विल बी 3 to 1। Now, which of the following metal has low melting point? किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? याद रखना बेटा, ये गैलियम है, ठीक। तो गैलियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 303 केल्विन, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड इट गैलियम एग्जिस्ट्स एज अ लिक्विड, ये लिक्विड एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट लिक्विड कब, इन समर्स, ये समर्स में लिक्विड एग्जिस्ट करता है गैलियम मेटल, ठीक। तो इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। विंटर्स में ये सॉलिड बन जाता है क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर जो है डाउन होता है, लेकिन समर्स में ये लिक्विड बन जाता है बोतल में, क्योंकि इसका टेम्परेचर 30 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री से कहीं ज्यादा टेम्परेचर रहता है समर्स में। तो इसका आंसर जो आएगा, दैट विल बी द गैलियम। नाउ IUPAC ऑफिशियल नेम,
ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 101 जो होता है ये मेंडेलिनियम होता है। तो ऐसे याद, ये आपको सीरीज ही याद रखनी है, 101 से लेके 110 तक जो एलिमेंट्स है इनका जो ऑफिशियल नेम क्या है वो याद रखना है आपको, टेक्स्ट बुक पे गिवन है वो याद कीजिएगा, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरा इनका आईयूपीएसी नाम आपको याद रखना, वो तो सिंपल है आईयूपीएसी, लेकिन इनका कॉमन नेम आपको याद रखना, ऑफिशियल नेम जो है उनका याद रखना है आपको, इसका मेंडेलिनियम आएगा। Now, if the radius of Bohr first orbit of hydrogen, radius जो है is R0, radius जो होती है बेटा वो होती है is equal to, वो होती है m square divided by z a naught is a constant, this is the radius, ठीक। Now, if the radius of Bohr's hydrogen, Bohr's first orbit, तो n is equal to 1, अगर Bohr first orbit है तो n is equal to 1, अब hydrogen atom, z क्या है, z भी 1 है, ठीक। तो अगर हम लिखेंगे R H हाइड्रोजन का जो रेडियस आएगा वो आएगा यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, वो ए नॉट के बराबर आएगा, वो ए नॉट के बराबर आएगा। और ये कह रहा है दिस रेडियस इज इक्वल टू आर जीरो, आर एच जो है ये आर जीरो के बराबर है, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू आर एच इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू आर जीरो, ये आर जीरो के बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, ठीक, बोहर थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए जो जेड आएगा वो आएगा 3 और n जो आएगा वो आएगा 3। बेरिलियम क्या होता है, सॉरी बेरिलियम 3 नहीं होता है, बेरिलियम जो होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम होता है 4, इसका z जो होता है वो 4 होता है, बेरिलियम का z 4 होता है, ठीक। तो अगर मैं लिखूंगा r बेरिलियम, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा n स्क्वायर 3 है तो आएगा 9 डिवाइड बाय z स्क्वायर, वो आएगा दिस n स्क्वायर बाय z, वो आएगा 4 a नॉट इसका आएगा, ठीक। ना मुझे क्या चाहिए, इफ द रेडियस इज दिस देन द रेडियस ऑफ बोहर थोड़ा बेरिलियम, तो बेरिलियम का मुझे चाहिए, बेरिलियम 3 प्लस का मुझे चाहिए, ठीक, बेरिलियम 3 प्लस, तो मैं लिखूंगा r बेरिलियम 3 प्लस जो है डिवाइड बाय r हाइड्रोजन किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू r0, वो r0 के बराबर है, ठीक। तो मैं लिखूंगा यहां पे इज इक्वल टू यहां पे 9/4, ठीक, 9/4 r बेरिलियम का, और यहां से इसका आएगा ये वाला यहां चला जाएगा, ठीक। तो ये r बेरिलियम जो आएगा, बेरिलियम आएगा वो आएगा 9/4 r0, a को छोड़े कांस्टेंट मत लिखो, ये दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, r h जो है वो r0 के बराबर है, तो r बेरिलियम बाय r0 इक्वल 9/4, तो r बेरिलियम जो आएगा वो आएगा 9/4 r0, तो आंसर विल बी आंसर नंबर दिस विल बी द सेकंड, 9/4 r0 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now consider the following statement regarding photoelectric effect. Photoelectric effect के लिए आपके पास दो statements हैं। Number one, kinetic energy of ejecting electron. जो electron यहाँ से निकलता है, जब यहाँ से photon आता है h nu, यहाँ से electron निकलता, ऐसे electron निकलता। अब कह रहा है कि kinetic energy of the eject electron does not depend on the frequency. No beta, ठीक। तो kinetic energy जो है that increases. Kinetic energy increases with the increase in frequency. अगर आप incident photon की frequency बढ़ाओगे तो kinetic energy भी बढ़ जाती है जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब लाइट पड़ जाते किसी मेटल पे, वहां पे जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कोई टाइम डिफरेंस, कोई टाइम लैग नहीं होता, ये इंस्टेंटेनियसली होता है, ठीक। तो इस स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कोई टाइम गैप नहीं होता जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हम कहेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। तो हमें बताना था रिगार्डिंग दिस कंसीडर फॉलोइंग्स, हमें बताना था ना काइनेटिक्स, तो पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 33, एटॉमिक नंबर जो इसका है वो 33 है, तो हमें बताना 33 किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो याद रखना बेटा, जो एलिमेंट है इसके लिए पीरियड नंबर देखना, ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, आपको मैजिक नंबर से याद रखने हैं, हीलियम, उसके बाद नियान, इसके बाद आर्गन, इसके बाद क्रिप्टॉन, इसके बाद ज़ेनॉन, ठीक। तो मैजिक नंबर याद रखो, इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है। तो ये वाला जो है ये
n इज इक्वल टू 1 में आता है फर्स्ट पीरियड में, तो ये वाले जो है ये n इज इक्वल टू 2 में आते हैं, ये वाले जो है n इज इक्वल टू 3 में आते हैं, ये वाले जो है n इज इक्वल टू 4 में आते हैं। तो पहले मैं पीरियड देखूंगा मैजिक नंबर से, तो मेरा एटॉमिक नंबर 33 है। देखिए एटॉमिक नंबर 33 ये 1 और 2 है तो 1 में भी नहीं आता है, ठीक। 2 टू 10 ये सेकंड पीरियड होता है तो उसमें भी नहीं आता है, 10 टू 18 इसमें भी नहीं आता है, ये थर्ड पीरियड है। अब 18 टू 36 इसमें 33 भी आता है, तो यहां पे इसका मतलब n जो है ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा, n इज इक्वल टू 4 आएगा, यहां पे फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। अब 4 तो 2 है, लेकिन अब इनमें कौन सा आएगा हमें ग्रुप भी बताना। गौर से सुनिए बेटा, ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 33 है, तो इसके कौन-कौन से ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, कौन-कौन से ऑर्बिटल भरे जाएंगे इसमें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इसका ग्रुप नंबर निकालेंगे। तो इस एटॉमिक नंबर 33 में किसी भी पीरियड में अगर आपको याद रखना है कि कौन से ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं, वो याद रखना है ns, np, n-1d, ठीक, कॉमा करके मैं लिखूंगा, n-2f, लाइकवाइज आप ऐसे आगे आगे जा सकते हो, ठीक। नाउ अब यहां पे n क्या, यहां पे n है, तो यहां से सबसे पहले नोबल गैस, अब इसके लिए नोबल गैस कौन सा बन गया, इसके लिए नोबल गैस बन गया आर्गन, तो इसका आएगा आर्गन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन पहले ही आ गए। उसके बाद n 4 है तो 4s आएगा, उसके बाद 4p आएगा, और उसके बाद यहां से आएगा n-1d तो आएगा 3d। तो इलेक्ट्रॉन जो 18 तो यहां तक आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे कहीं कम है। तो अब ये जो तीन है, ये वाला हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हमें इनको लिखना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। वो कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे n प्लस l। अगर 4s का हम n प्लस l देखेंगे, वो आता है 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, इसका n प्लस l देखेंगे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इसका n प्लस l देखेंगे वो आएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक। तो इसका भी 3 प्लस 2 5 आता है, इसका आता है n प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक। तो सबसे कम एनर्जी इसका होगा, तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिखूंगा, ये 18 आएगा, उसके बाद 4s आएगा, अब इसका भी n प्लस l 5, इसका भी n प्लस 5, अब दो में से कौन आएगा, दो में से वही आ गया जिसका n वैल्यू कम होगा, n वैल्यू इसका है, तो उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके बाद 4p में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। नाउ 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 प्लस 2 मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 इज 20, और इसमें 10 आएंगे, 20 प्लस 10 इज 30, और इसमें 3 आएंगे, हो गए 33। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं निकालूंगा इसका ग्रुप नंबर क्या है। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन चला गया पी सबशेल में, ये जो एलिमेंट होगा 33 वाला, तो एक तो हमने कहा इसका पीरियड नंबर 4 है, ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, और दूसरा मैं कह रहा हूं कि ये जो एलिमेंट है ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर अगर आपको देखना होगा, वो होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल, बताइए पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। 12 ने क्यों ऐड किया, क्योंकि पी ब्लॉक से पहले एस ब्लॉक आता है जिसमें दो ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक से पहले ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आते हैं, डी ब्लॉक इसमें 10 ग्रुप्स आते हैं, 10 प्लस 2 इज 12, वही 12 मैंने ऐड किया यहां पे, तो ग्रुप नंबर जो आएगा यहां पे वो आएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो ग्रुप नंबर 15 होगा इसके लिए, और पीरियड नंबर जो होगा वो 4th होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Now, which of the following has a positive value of electron gain enthalpy? याद रखना, positive electron gain enthalpy बस खाली होता है noble gases का। तो noble gas कौन सा है यहाँ पे? That is neon. Neon के लिए positive electron gain enthalpy होगा, तो neon इसका answer आएगा। Now, the de Broglie wavelength of a ball, ठीक? अब मास कितना है? मास इज इक्वल टू 0.02 केजी मूविंग विद अ वेलोसिटी जो है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी है, ठीक। तो एच भी गिवन है, एच जो है दैट इज 6.6 इंटू 10 रेज पावर -34 जूल सेकंड। तो हमें बताने डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, एच कितना है 6.6 इंटू 10 रेज पावर -34, ठीक, डिवाइड यहां पे जूल और सेकंड है, ठीक। तो याद रखना 1 जूल जो होता है ये होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर होता है 1 जूल, इसके बराबर होता है। तो यूनिट का कन्वर्जन आपको नहीं करना है अगर आपको यहां पे मास केजीज में है, ठीक, बिकॉज यहां से भी केजी आता है, केजी केजी कैंसिल होगा, वो चीज में भी आपको दिखाऊंगा यहां पे कैसे केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, वो चीज आप देखिएगा बेटा। यहां से यह आएगा 6.6, चलिए मैं यूनिट भी लिखूंगा साथ साथ, मैं लिखूंगा यूनिट केजी, यहां से लिखूंगा मीटर स्क्वायर, यहां से लिखूंगा पर सेकंड स्क्वायर, ठीक।
साइड, तो यह आ गया एच, डिवाइड करूंगा मास, मास कितना 0.02 केजी, 0.02 को मैं लिखूंगा 2 × 10⁻²⁔ kg, और इसके बाद वेलोसिटी है दैट इज 20 m/s। ठीक, गौर से सुनिएगा बेटा, केजी केजी कैंसिल, मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल, यहां पे दिस यहां पे मीटर पर सेकंड हमारा वेलोसिटी है, तो ये ऊपर जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो लैम्डा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मास यहां पे, तो फिलहाल हम यहां से ये कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से जो आएगा वो आएगा दिस, ये आएगा यहां से 6.6, ये आएगा 2 × 2 = 4, डिवाइड करूंगा मैं 4, और यहां से करूंगा 10⁻³। ठीक, तो यहां से आ रहा है 10⁻², और यहां से आ रहा है 10, क्योंकि मैंने 2 × 2 = 4 किया, तो 10 और 10⁻², ये आएगा 10⁻¹। ठीक, 10⁻¹ ऊपर जाएगा वो बन जाएगा 10⁻+1, तो 10⁻+1 ऊपर बन के क्या बनेगा, वो बनेगा 10⁻⁻³, और यहां से मैं करूंगा 4 1s, यहां से 4 1s करूंगा, तो यहां पे 0.2 यहां जाए 4 6 = 24, और उसके बाद 4 5 6 5 4 5 20, तो ये आएगा 1.65 × 10⁻³ मीटर आना चाहिए, जो कि आता है। ठीक, 1 joule इज दिस, यस 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 यस, आ गया आ गया, बराबर आ गया, बराबर आ गया। ठीक, तो यहां पे सेकंड भी था, ये जूल सेकंड था, जूल इसके बराबर है, यहां पे सेकंड भी है। ठीक, जूल जूल इसके बराबर है और सेकंड अपना ही है। ठीक, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये सेकंड ही बन जाएगा, मीन्स ये वाला और सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, वहां पे एक ही एम रह गया, तो ये मीटर्स में आएगा, दिस विल बी द वेव लेंथ। ठीक, बिकॉज 1 joule इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यहां तो अपना सेकंड भी है, तो वो मैंने यहां लिखा, यहां पे आएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर बनेगा, सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाए, माइनस सेकंड स्क्वायर, केजी केजी कैंसिल, वहां पे मीटर 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 जो है मीटर के साथ ही कैंसिल हो जाए, वहां पे एक मीटर रह गया, तो दिस वेव लेंथ विल बी इन मीटर्स, तो आंसर विल बी, पहला ही ऑप्शन है 1.65। Now, उसके बाद साइज एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय, साइज जो देता है और शेप जो देता है बेटा, दैट इज साइज एंड सॉरी साइज एंड एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू −13.6 Z² / N² व्हाट इज एन, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, और दूसरा साइज भी जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही देता है, क्योंकि साइज जो है जितना एन बढ़ेगा उतना साइज बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे न्यू है, अगर ये N1 है तो इतना बड़ा एटम होगा, ठीक, इतना बड़ा एटम होगा, अगर N2 है तो इतना बड़ा साइज बढ़ गया, अगर N3 है तो इतना बड़ा एटम है, एटम बढ़ गया, यानी कि साइज और एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देते हैं। Now for nth shell the positive, the possible values of azimuthal quantum number is given by, याद रखना बेटा, nth shell में कितने, कह रहा है कि कितने, असल में कितने सब शेल्स होते हैं, that is equal to n value, वो n के बराबर होता है, तो असल में आपको सब शेल्स बता, azimuthal quantum number आपको सब शेल, number of सब शेल प्रेजेंट शेल बताता है, तो ये कह रहा है कि nth shell में possible values of azimuthal quantum number कितने होंगे, for example fourth shell में कितने possible values है, कितने सब शेल्स है, तो चार ही आएंगे ना, 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा, 4f आएगा, तो there will be 4 possible values equal to n, वो तो n के ही बराबर है, तो answer will be first, the maximum number of electrons that can be accommodated in the fourth period, तो n4 is equal to even, याद रखना बेटा, मैं आपको दोनों के लिए दिखाऊंगा, n is equal to even and n is equal to odd, ठीक, तो n is equal to even के लिए, n is equal to even के लिए ये फॉर्मूला देखना, number of elements जो होते हैं, number of elements जो होते हैं, that is equal to n+2 whole square divided by 2, अब यहां पे n कितना है 4, तो मैं लिखूंगा 4+2 whole square divided by 2, 4 + 2 = 6, 6 = 36, 36 / 2, तो 18 will be the answer, तो इस question का answer 18 आएगा, लेकिन अगर आपको n odd होगा, ठीक, अगर odd होगा, then number of elements जो है, that will be equal to n+1 whole square divided by 2, लेकिन देखिए यहाँ पे even है, तो याद रखना n+2 even होता है, यहाँ पे odd है, यहाँ पे लिखना 1 n+1 1 क्या होता है, और 1 odd होता है, तो odd के लिए ये formula even
के लिए फॉर्मूला आंसर विल बी 18. नाउ द टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स जो है इज गिवन बाय, रेडियल नोड्स बेटा जो होते हैं वो होते हैं n माइनस l माइनस 1, दीज आर रेडियल नोड्स. ठीक, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इसी के बराबर होता है. ठीक, n माइनस l माइनस 1. और जो जो एंगुलर नोड्स होते हैं, एंगुलर नोड्स जो होते हैं वो l वैल्यू के बराबर होता है, क्योंकि हमें बताना है रेडियल नोड्स. ठीक, रेडियल नोड्स तो वो n माइनस l माइनस 1 के बराबर है. तो आंसर विल बी 4. The electronic configuration of chromium, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रोमियम 24 है तो इसका आता है 3D54S1, सामने आएगा आर्गन, बिकॉज दिस इज हाफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन दैट मे हैव क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3. n इज इक्वल टू 3 क्वांटम नंबर आना चाहिए और l इज इक्वल टू 1 आना चाहिए. तो 3 थर्ड शेल में ही जाएंगे क्योंकि m3 है. तो m3 है तो कौन कौन सा सब शेल आएगा, 3s आएंगे, 3p आएंगे और 3d आएंगे. ठीक, नाउ अगर हम 3s के लिए देखेंगे तो n का वैल्यू 3 है लेकिन l का वैल्यू क्या आता है, l का वैल्यू 0 आता है, तो ये नहीं आएगा. ठीक, नाउ ये वाले p जो है, p में 3 है, कौन कौन सा है, px है, py है, px है, py है, pz है. ठीक, तो इनके लिए ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा. तो n is equal to 3, l का l क्या आएगा, p के लिए l is equal to 1 होगा. तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन डेड कैन है, तो इसके लिए भी जो इसमें होंगे, इसमें 2 होंगे, सपोज इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, तो इनके लिए भी n is equal to 3, l is equal to 1, इनके लिए भी n is equal to 3, l is equal to 1, इनके भी n is equal to 3, l के. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने, वो 6. अब 3d वाले जो है, 3d वाले जो है, इनका n तो 3 आएगा लेकिन l जो इनका आएगा d, क्योंकि d है तो l का इनका 2 आएगा. तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन जिनके लिए n 3 है, l वैल्यू इनके लिए 1 है. अब कितने इलेक्ट्रॉन है ये टोटल में, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम तो 6 है, तो 6 विल बी द आंसर. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो जनरल तो सभी को पता है, जैसे NS2 NP 1 to 6, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दिस इज द आंसर. अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट विच इज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज किसका है, देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8, ये सेकंड पीरियड के हैं. ठीक, नाउ उसके बाद फास्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता जो कि है ही नहीं. उसके बाद यहां से नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद आता है यहां से फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन. तो हमारे पास ये एलिमेंट है, हमारे पास ये एलिमेंट है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है. ठीक, तो हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है, डाउन द ग्रुप अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो यहां से फ्लोरीन है, यहां से क्लोरीन है, अलोंग द पीरियड साइज जो है, अलोंग द पीरियड जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक, तो किसका किसका साइज बड़ा होगा, साइज जो बड़ा होगा वो फास्फोरस का होगा. द आंसर विल बी फास्फोरस, इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी द फास्फोरस, फास्फोरस यहां पे आंसर आएगा इस क्वेश्चन का. नाउ क्योंकि अलोंग द पीरियड जो है साइज कम हो जाता है, तो इस पीरियड में फास्फोरस का साइज ज्यादा होगा और इसका कम होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इन दो का साइज जो छोटा होगा इन दो से. तो विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, किसका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है. ठीक, तो अगर हम सबसे पहले इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, बोरान जो है, बोरान का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान 5 है, तो 1s2 2s2 2p1 यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. बेरिलियम जो है 4 आता है, 1s2 2s2 इसका आता है. तो लिथियम जो है जो आता है 1s2 2s1 आता है. ठीक, उसके बाद जो है वो आता है कार्बन, कार्बन का आता है 1s2 और उसके बाद इसका जो आता है डेट इज 2s2 एंड 2p2. ठीक, नाउ अगर हम देखेंगे यहां पे कार्बन जो है, अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वहां तो p1 रहेगा, तो इसका p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं होता, तो इसका हाईएस्ट नहीं आएगा. ठीक, तो p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ही नहीं. ठीक, नाउ तो ये नहीं आएगा.
नाउ उसके बाद अगर हम बात करेंगे बोरान का अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वहां से रहता है 1s2 2s2 मीन्स यहां से अब ये I2 बन जाएगा सेकंड आयनाइजेशन फिलहाल तो ऐसे रखेंगे ठीक। नाउ दिस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये नोबल गैस लाइक नहीं बन गया क्योंकि 2s2 है क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो बेरिलियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1s2 2s1 अब यहां से देखना क्योंकि 2s1 में तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाला जो वो कम होगा। नाउ लिथियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो बन जाता है 1s2 बन जाता है। नाउ 1s2 जो है ये नोबल गैस बन गया हीलियम बन गया। अब देखिए बेटा बोरान वो बन गया नोबल गैस लाइक बोरान तो बन गया 1s2 2s2 नोबल गैस लाइक और ये जो लिथियम ये बन गया नोबल गैस है हीलियम बन गया तो किसका ज्यादा होता है नोबल गैस का ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नोबल गैस लाइक देयरफॉर आंसर विल बी लिथियम इसका लिथियम आंसर आएगा। स्टेटमेंट जिंक कैडमियम एंड मर्करी डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स थे तो ये कह रहा है कि जिंक कैडमियम मर्करी डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स बिकॉज दे आर नॉट ट्रू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रू डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ही नहीं क्योंकि इनका ग्राउंड स्टेट और एक्साइड स्टेट में D1 to 9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता ही नहीं है ठीक। नाउ दूसरा इसने कहा कि द एलिमेंट्स ऑफ द यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स ठीक। तो दूसरा इसने कहा कि द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम। यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स है उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो जिंक कैडमियम मर्करी जो ज्यादा प्रॉपर्टी इनकी मैच नहीं होते कुछ प्रॉपर्टीज मैच होती ज्यादा प्रॉपर्टीज मैच नहीं होते फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं ठीक। तो ये वाले जो है ये वाले जिंक कैडमियम मर्करी ये सॉफ्ट होते हैं इनका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो होता है उनमें अनप्योर इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं मेल्टिंग पॉइंट कम होता है मेल्टिंग बाकी का लेकिन ज्यादा होता है ठीक। नाउ तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है तो हम लिखें स्टेटमेंट फर्स्ट एंड इज करेक्ट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वो कहां है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट द आंसर विल बी आंसर नंबर 1 इसका आंसर नंबर 1 आएगा बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन में ठीक। नाउ द पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोटेशियम तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है तो इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा नियॉन उसके बाद आएगा 3s2 इसके बाद आएगा दिस नियॉन तो 10 है 3p6 आएगा उसके बाद आएगा 4s1 इसका आएगा 19 ठीक। तो अब पॉसिबल वैल्यू फॉर वैलेंस शेल तो ये बन गया तो इसका n इज इक्वल 4 आएगा इसका l जो आएगा वो आएगा 0 क्योंकि s है ठीक और इसका m जो है वो 0 आएगा। अब स्पिन जो है डेट में भी +1/2 और -1/2 तो 4 उसके बाद 0 -1/2 दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग ठीक। तो याद रखना बेटा सबसे ऊपर आते हैं कॉस्मिक रेज ठीक कॉस्मिक रेज उसके बाद आते हैं गामा रेज ठीक उसके बाद आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज उसके बाद क्या आते हैं उसके बाद आते हैं विजिबल रीजन आता है उसके बाद ठीक उसके बाद विजिबल के नीचे आता है इंफ्रारेड आते हैं ठीक उसके बाद आते हैं माइक्रोवेव्स ठीक माइक्रोवेव्स उसके बाद आते हैं रेडियो वेव्स तो यहां से यहां जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होता है और वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता है। इन रेडियो वेव जो है इनका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा और इनका जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। नाउ इन द पीरियडिक टेबल द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है पीरियडिक टेबल में याद रखना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से लेके राइट तक जाते हैं नॉन मेटल ज्यादा होते हैं यानी कि पी ब्लॉक में नॉन मेटल ज्यादा होते हैं ठीक। तो क्या होता है इसने कहा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन टूवर्ड्स ग्रुप। यस डाउन टूवर्ड्स ग्रुप क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाता है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज गिवन बाय याद रखना बेटा एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का वो होता है -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखा इसने जूल लिखा है। तो याद रखना बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे एनर्जी जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो यहां से इंटू करेंगे
करेंगे 10^-19, बाकी वही रहेगा z स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा, अब आएगा जूल पर एटम आएगा। ठीक, नाउ इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनको तो ये बन जाएगा, इन दो के मल्टीप्लाई करूंगा 6 × 6 = 36, तो 6 3 कैरी ऑन हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 18 + 3 = 21, 1 2 कैरी ऑन हो जाएगा, 6 + 1 = 6 + 2 आएगा 8। ठीक, तो 816, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6 = 6, 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1, तो आएगा 6 = 7, 8 + 3 = 11, 1 तो यह आएगा 2, तो पॉइंट 2 के बाद आएगा 21.76 × 10⁻¹⁹ जूल पर एटम के बराबर आएगा। ठीक, लेकिन ऐसा कोई आंसर है नहीं, लेकिन माइनस है यहां पे, आप तो माइनस है। अब मैं लिखूंगा इसको 2 point, मैं इसको लिखूंगा 2.1 के बराबर, 2.1 जो है इसको मैं 2 लिखूंगा, या 2.18 लिखूंगा, यहां से 2.1 या 176 में लिखूंगा, 2.176 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम। तो 18 वाले है ये वाला और ये वाला, 2.n² / z², ठीक है, 2.18 ये भी आएगा, ठीक, ये भी आएगा, 10⁻¹⁸ 10⁻¹⁸, ठीक, तो ये आएगा z² / n², ये वाला, n² नहीं होता है, z² / n² होता है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम, लेकिन z² / n² एनर्जी होती है, लेकिन यहां से माइनस आएगा। Bohr's theory is not applicable for, Bohr's theory jo it is applicable for hydrogen and hydrogen like species, ye hydrogen aur hydrogen like species ke liye possible hai, theek, to hydrogen ye wala lithium hai, isme one electron hi hoga, lithium 2+, beryllium 3+ mein bhi one electron hai, helium plus mein bhi one electron hai, hydrogen plus mein koi electron nahi hai, no electron, therefore this is not applicable for this hydrogen plus, to answer aayega hydrogen plus। The angular momentum of electron the p orbital, याद रखना p orbital के लिए जो angular momentum होता है, orbital angular momentum that is equal to under root of L × L + 1 h/2π। अब p orbital के लिए L जो value होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक, तो orbital angular momentum is equal to यहां पे लिखूंगा 1 × 1 + 1 h/2π, तो 1 + 1 = 2, orbital angular momentum is equal to under root of 2 h/2π, ठीक, तो 1 √2 h/2π ये कोई आंसर नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लो यहां से भी अंडर रूट 2 से, तो इस यहां से भी रूट 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर √2 √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला बन जाएगा जिस 2 और 2h, नीचे वाला बन जाएगा 2π √2, तो 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा h/√2π, है कोई आंसर? फिर से करेंगे, तो आंसर विल बी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 1, वो आएगा 2, अंडर रूट ऑफ 2 h/2π, ठीक है, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 h/2π, इसको क्या करेंगे, व्हाट विल हैपन टू इट, √2 h/2π, तो ये कैसे इसके बराबर आएगा,
अगर हम इसको H क्रॉस मानेंगे, H क्रॉस जो होता है वो होता है H बाई 2 पाई के बराबर, तो फिर तो आएगा रूट टू एच क्रॉस, रूट टू एच क्रॉस। इफ दिस इज H क्रॉस फिर तो यही आंसर आएगा, अगर H क्रॉस नहीं है ये फिर दिस इज नॉट द आंसर, देयरफॉर यहां पे इसका जो ऑप्शन है वो मैच नहीं हो जाएगा फिर। ठीक, तो आंसर इसका अंडर रूट ऑफ 2 एच बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई एच क्रॉस के बराबर होता है, तो दिस शुड बी एच क्रॉस। ठीक, तो अगर ये एच क्रॉस है तो आंसर ये आएगा, अदरवाइज इसका आंसर मैच नहीं होता है। नाउ विच आर द फॉलोइंग और बट विल नॉट हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग एक्सिस। ठीक, तो डी एक्स वाई आपको पता ही है, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, लोब्स विल बी बिटवीन द एक्सिस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। तो पी एक्स में अगर ये एक्स एक्सिस है, पी एक्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी यही से आएगा, डी जेड स्क्वायर ऐसे होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इन जेड स्क्वायर, एस तो नॉन डायरेक्शनल है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ही होती है, तो यहां पर डी एक्स वाई आएगा इसका आंसर। द आयन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किस आयन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दिस विल बी मैग्नीज 2 प्लस, याद रखना मैग्नीज जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 25, इट इज 3d5 4s2, तो मैग्नीज 2 प्लस जब बनाएंगे हम तो ये बनेगा 3d5, तो 3d5 जो है इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैग्नीज 2 प्लस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा इसमें है, यानी कि पी ब्लॉक से कौन सा बिलोंग करता है, रिप्रेजेंटेटिव वही होता है दैट इज आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। मैक्सिमम कोवलेंस है बोरान, तो सेकंड पीरियड का है तो बोरान सेकंड पीरियड की मैक्सिमम कोवलेंस जो होती है वो 4 तक चली जाती है, बोरान जो है ये BOH होल 4 माइनस बनाता है, टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट ये वाला बनाता है, तो मैक्सिमम कोवलेंस 4 आ गई। विच ऑन द फॉलो इज ए लेंथनाइड, लेंथनाइड कौन सा है, लेंथनाइड इज ए ल्यूटिशियम इज ए लेंथनाइड, ये लेंथनाइड है। ठीक, लेंथनाइड ये वाला लेंथनाइड, अब आप कहोगे लेंथनम क्यों नहीं है बेटा, लेंथनम जो है इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल होती है लेंथनाइड से, तो इसको पढ़ा जाता है लेंथनाइड से, है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो आंसर विल बी ल्यूटिशियम LU। The amphoteric oxide among the following is this one, aluminium oxide, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, ये वाला बेसिक होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक होता है, और ये वाला जो ये amphoteric होता है, this is the amphoteric oxide। Which of the following is a metalloid, metalloid कौन सा है, metalloid chlorine तो non metal है, sodium तो metal है, sulfur तो non metal है, arsenic is a metalloid, ये इसका आंसर आएगा, this is the metalloid। The correct order of penetrating power of different orbital, penetrating power S का ज्यादा होता है, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F, तो which is the answer, this is the answer, SPDF इसका आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स तो अगर ये ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है। ठीक, तो याद रखना बेटा nth एक्साइटेड स्टेट n प्लस 1 एनर्जी लेवल होता है, तो यहां लिखूंगा nth एक्साइटेड स्टेट जो है इट इज इक्वल टू n प्लस 1 एनर्जी लेवल, n प्लस 1 एनर्जी लेवल। ठीक, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो होगा 3 प्लस 1 एनर्जी लेवल, यानी कि फोर्थ एनर्जी लेवल होगा, तो ये वाला लेवल दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यहां से तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जब यहां से यहां आता है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे यहां से, तो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो फॉर्मूला है स्पेक्ट्रल लाइंस दैट इज n2 माइनस n1, उसके बाद फिर से n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करना है यहां से, तो n2 कितना है 4 4 माइनस 1। ठीक, उसके बाद 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 माइनस 1 जो आएगा वो आएगा 3, वहां से आएगा 4, 1 और 1 कैंसिल, तो वहां से आएगा 4 ही बचेगा, वहां से 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 दिस इज 12, 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू यहां पे आंसर जो आएगा वो 6 आएगा, 6 विल बी द आंसर। नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन 6.6 जूल ऑफ एनर्जी,
having wavelength of this much. ठीक, lambda is equal to 10 nanometer. ठीक, तो lambda को मैं लिख सकता हूं 10 into 10 raise power minus 9 of a meter, because 1 nanometer is equal to 10 raise power 9th of a meter. ठीक, तो ये lambda है. तो एनर्जी जो बेटा है दैट इज इक्वल टू 6.6 जूल, ये 6.6 जूल है. ठीक, नाउ एच जो है, एच इज गिवन, एच क्या है, 6.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 जूल सेकंड. नाउ एनर्जी जो है इज इक्वल टू एच न्यू, तो एन एच न्यू क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. ठीक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो किया था, तो एन, एन जो है नंबर है, एन किसके बराबर आएगा, एन इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय एच न्यू. ठीक, तो एनर्जी कितनी है, एनर्जी 6.6 जूल है. ठीक, 6.6 जूल है. एच कितना है, एच जो है वो है 6.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 जूल सेकंड, और उसके बाद आता है यहां से न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल टू, अब फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, यहां पे वेव लेंथ है. ठीक, तो यहां पे हमारे पास गिवन है वेव लेंथ. ठीक, तो न्यू जो होता है वो सी बाय लैम्डा के बराबर होता है. ठीक, तो यहां मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी के बराबर, बदले में लिखूंगा सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा तो ऊपर जाएगा, तो लैम्डा कितना है, लैम्डा कितना है वहां से, लैम्डा है 10 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 ऑफ ए मीटर, और सी यहां से आएगा, वो आएगा 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड आएगा. यहां से पहले मैं यूनिट्स काटूंगा, जूल और जूल कैंसिल हो जाएगा, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. एन इज ए नंबर, एन का यूनिट नहीं होना चाहिए था, और यहां से भी पता चलता है एन का यूनिट कुछ नहीं आएगा. ठीक, नाउ अब हमें एन निकालना है, यहां से एन कितना आएगा, तो 6.6 और 6.6 कैंसिल हो जाएगा यहां से. ठीक, तो 10 into 10 raise power minus 9, तो ये ऊपर बन जाएगा 10 raise power minus 8 ही बन जाएगा. नीचे कितना रहता है, नीचे रहता है, यहां से 1 लिखेंगे, नीचे रहता है 3, और यहां से 3 रहता है, 10 raise power minus 34, यहां पे 10 raise power 8 है, तो ये आएगा 10 raise power minus 26 आएगा ये. ठीक, तो 10 raise power minus 26 जो है ये ऊपर जाएगा, दिस इज 1 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 3 जो है तो ये आएगा 0.33, ये आएगा 0.33 के बराबर आएगा ये. ठीक, 0.33 के बराबर आएगा, तो ऊपर आएगा 10 रेज पावर माइनस 8. ठीक, और यहां से आएगा 10 रेज पावर 26, तो 10 रेज पावर 26, तो ये आएगा 26 को 8 माइनस करेंगे तो 18 रहेगा वहां से, तो 0.33 इंटू 10 रेज पावर 18 रहेगा यहां से. ठीक, तो अब मैं इसको ऐसे करूंगा, मेरे पास 3.3 इंटू 10 रेज पावर 17 यहां पे आंसर आएगा. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज ऑफ लार्जेस्ट साइज. ठीक, नाउ दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अगर मैं देखूंगा नाइट्राइड, फ्लोराइड, ठीक, मैं लिखूंगा सोडियम प्लस, और मैं लिखूंगा मैग्नीशियम 2 प्लस. ठीक, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. ठीक, नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है, साइज ऑफ एनायन जो होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ कैटायन. ठीक, तो इन दो का साइज ज्यादा होगा इनसे. नाउ अमंग एनायन साइज जो होता है, अमंग एनायन साइज ऑफ एनायन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए तो इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नाइट्राइड, तो आंसर विल बी नाइट्राइड. If the uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in momentum is. If the uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in momentum is. चलिए बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आर इक्वल. तो हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है बराबर एच बाय 4 पाई के बराबर होता है. ठीक, एच बाय 4 पाई के बराबर होता है. ठीक, नाउ ये कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये इसके बराबर है. ठीक, तो अनसर्टेन मोमेंटम किसके बराबर, तो इसके बदले मैं लिखूंगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 4 पाई. तो यहां से आएगा डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा पी स्क्वायर, डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 4 पाई. ठीक, तो अब डेल्टा पी जो है मैं लिखूंगा डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी जो है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एच डिवाइड बाई 4 pi, ठीक। तो ऐसा कोई आंसर है, तो डेल्टा पी जो है इट इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय पाई 2, में बाहर निकालूंगा मैं लिखूंगा 1/2, ठीक। कोई आंसर है यहां पे? नो। तो असल में होना चाहिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक। डेल्टा पी इज इक्वल टू मास इनटू डेल्टा वी, ठीक। तो अगर मैं इसको मास इनटू डेल्टा वी लिखूंगा तो उसके बाद डेल्टा वी आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2 m, उसके बाद यहां से आएगा अंडर रूट ऑफ एच डिवाइड बाई पाई, ठीक। तो दिस विल बी द आंसर, 1/2 h/π, लेकिन यहां पे होना चाहिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होना चाहिए। अगर वेलोसिटी है तो ये आएगा आंसर, अगर मोमेंटम लिखना है तो कोई आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक। देयरफॉर दिस क्वेश्चन ये मिसप्रिंट हुआ है शायद, ठीक। तो प्रूफ रीड नहीं हुआ है पेपर ये वाला, ठीक। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन को बोनस मानेंगे हम, क्योंकि इसने मोमेंटम ही लिखा है, मोमेंटम इसके बराबर आना चाहिए, ठीक। तो अगर वेलोसिटी है तो ये वाला है, तो फिर तो ये आंसर आएगा जो कि इसने नहीं लिखा है। नाउ द नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन द ऑर्बिट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो फोर्थ किसी भी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में जो वेव्स होती है, nth ऑर्बिट में जो वेव्स होते हैं वो n लैम्डा के बराबर होती है, ठीक। तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 pi r, n लैम्डा इज इक्वल 2 pi r, ठीक। यानी कि जो भी ऑर्बिटल होगा, ठीक, जो भी शेल होगी, जो भी स्टेशनरी लेवल होगी, तो उसमें जो वेव्स होंगे वो क्वांटम नंबर के बराबर होगी, क्योंकि इसने कहा है फोर्थ में 4 ही आएंगे, ठीक। तो 4 लैम्डा जो है ये आएगा 2 pi r के बराबर आएगा, ठीक। तो n इज इक्वल 4 में 4 वेव्स आएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज, यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम का हम निकालते हैं दैट इज इक्वल -13.6 z² / n², यानी कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज डिपेंड अपॉन ओनली ऑन n, वो खाली n पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज 1s का एनर्जी सबसे कम आएगा, उसके बाद ज्यादा आएगा किसका आएगा, 2s का, लेकिन 2s और 2p का एनर्जी बराबर आएगा, इन दो का कम होगा, किससे कम होगा, 3s से कम होगा, ठीक। और उसके बाद इसका बराबर किसके बराबर आएगा, इसका बराबर 3p के बराबर आएगा, ठीक। तो आंसर जो आएगा इसका, तो इसने लिखा है 3s के बाद लिखा है, तो 3s 3p 3d, yes, 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एनर्जी है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन n वैल्यू, नॉट अपॉन l वैल्यू, वो l वैल्यू पे लिए डिपेंड नहीं करता, किसके लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। लेकिन बाकी जो स्पीशीज है उनका हम बोहर बेरी रूल लेते हैं, जो उन पे जो एनर्जी है वो n प्लस l रूल पे डिपेंड करता है। तो 3s 3p और 3d का एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, 4s से ज्यादा होगा, ठीक। तो आंसर विल बी, इसका आंसर जो आएगा वो फोर्थ आना चाहिए। तो 3s 3p 3d जो है, 3s 3p 3d यहां पे भी वही है, 3s 3p 3d का एनर्जी जो है वो बराबर आएगा, और इन तीन का एनर्जी कम होगा, किससे, n इज इक्वल 4 से, क्योंकि फोर्थ जो है वो फोर्थ शेल है, तो थर्ड शेल का एनर्जी कम होगा एज कंपेयर टू फोर्थ शेल, और थर्ड शेल में जो भी सब शेल है उनका एनर्जी बराबर होगा, बिकॉज एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द एन वैल्यू, ये एल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। तो 4s का एनर्जी कम होगा एंड 3s 3p 3d, 4s का एनर्जी का ज्यादा होगा, लेकिन 3s 3p और 3d जो है इनका एनर्जी बराबर होगा। Now, the correct order of electron affinity among the following is, तो हैलोजन्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें पता है, क्लोरीन का ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन आता, उसके बाद ब्रोमीन आता, उसके बाद आयोडीन आता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, दिस इज द आंसर 97।
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वायलेट्स. अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस रूल को वायलेट करती है? ये 1s2 है, ये 2s1 है, ये 2p2 है. तो असल में हुआ क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया है, ठीक. तो हंड्स रूल कहता है, अबाउस प्रिंसिपल कहता है, पहले हम अबाउस प्रिंसिपल की बात करेंगे. अबाउस प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबशेल्स में भरे जाते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो असल में आना चाहिए था 1s2, उसके बाद आना चाहिए था 2s2, उसके बाद आना चाहिए था 2p1. तो इसने कौन सा रूल वायलेट किया? इसने अबाउस प्रिंसिपल वायलेट किया हुआ है यहां से. और आई थिंक इसमें अबाउस और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी वायलेट हुआ है, क्योंकि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस मस्ट हैव अपोजिट स्पिन. तो इसमें इसने एक ही इलेक्ट्रॉन रखा है, तो असल में ये इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहिए था, ठीक, जो कि है नहीं. तो फिलहाल हम कहेंगे यहां पे जो रूल वायलेट हुआ है वो अबाउसी है, तो अबाउस इसका करेक्ट आंसर आएगा. द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁴ हर्ट्ज, ठीक. तो वेवलेंथ आपको बताना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, न्यू इज इक्वल टू 4 × 10⁴ हर्ट्ज, ठीक. तो अगर इसका वेवलेंथ हम चेक करेंगे, न्यू जो है वो सी बाय लेमडा के बराबर होता है, ठीक. तो लेमडा किसके बराबर आएगा? लेमडा आएगा सी बाय न्यू के बराबर. न्यू सी कितना है? सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और न्यू कितना है? न्यू इज 4 × 10⁴ सेकंड, ठीक. तो ये वाला सेकंड, सेकंड हर्ट्ज जो होता है वो सेकंड इनवर्स, मतलब हर्ट्ज का मतलब होता है सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, वेवलेंथ मीटर्स में आएगा. तो जब ये ऊपर जाएगा तो हम लिखेंगे यहां से इसको 4 पॉइंट यहां से मैं करूंगा, यहां से 4 7 28, क्योंकि 32 बच जाएगा, 4 7 25, ठीक. तो 0.75 आएगा इंटू 10⁸ है, ऊपर जाएगा 10⁻¹⁴, तो ये बन जाएगा 10⁻¹⁶, ठीक. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 7.5 × 10⁻¹⁴, या मैं तो ऐसे लिखूंगा 3 जीरोज में यहां लूंगा, तो मैं लिखूंगा 750 × 10⁻¹⁹ ऑफ मीटर, ठीक. तो ये किसके बराबर होता है? इट इज बेसिकली इक्वल टू 10⁻¹⁹ इज इक्वल टू होता है नैनोमीटर के बराबर. तो 750 नैनोमीटर इसका आंसर आएगा. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. The IUPAC name of the element with atomic number 104 है, ठीक. तो 1 का आएगा अन, 0 का आएगा नील, ठीक. 4 का आएगा कॉड, टेट्रा नहीं आएगा क्योंकि पहले 3 आ रहे ट्राई, तो 4 का आता है कॉड. तो कॉड अन नील कॉड, और चूंकि मेटल्स है इसका सफिक्स आएगा ईम, तो अन नील कॉडियम आएगा इसका IUPAC नेम. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक. तो दिस इज ऑल अबाउट CTS फेज 3 केमिस्ट्री पेपर, जिसमें मैंने डिस्कस किया आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल दीज पीरियडिक प्रॉपर्टीज. थैंक यू, गुड नाइट.